हेलो फ्रेंड, काफ़ी टाइम बाद, मतलब कम से कम 7 डेज़ बाद मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ पार्ट 20 लेकर के। रीज़न क्या था, पार्ट 19 में मैंने आपको बताया था, क्योंकि दुख तब होता है जब आपके 200 वीडियो चंद घंटों में ऑटोमेटिक रिमूव हो जाते हैं। रीज़न ये होता है कि वीडियो पे व्यू कम थे, वीडियो पे लाइक कम थे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैक्सिमम वीडियो पर कि वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, इन सभी का रेशियो बहुत कम है। तो चलिए ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग काम करिए, मैं अपने अकॉर्डिंग काम करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो अगेन बस केवल यही बोलूँगा, जो एक्टिव सब्सक्राइबर हैं वो एक्टिव रहें प्लीज़, और हो सके तो अपना स्कोर मुझे कमेंट करें और अपने आप से भी एक बार पूछें अगर आपका स्कोर कम आता है तो कि गलती कहाँ पर हुई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्र की राजधानी है क्या? वोल्टेरो, सेंटियागो, कायरो, सोफिया। तो फर्स्ट फर्स्ट का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका, टफ क्वेश्चन है ये, है ना, ज़्यादा भी टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 2, वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? पोटो मैक, सीन, टेम्स, वोल्टा। सेकेंड राइट आंसर पोटोमैक। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना, पंपास, बेल्ट, डाउन्स। बताइए राइट आंसर, फटाफट से लगा लीजिए, पेन पे उठा लीजिए, ठीक है, कष्ट करिए थोड़ा सा पढ़ने का बच्चों। राइट आंसर है बी, पंपास। क्वेश्चन नंबर 4, स्प्री नदी कहाँ पर स्थित है? अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी। राइट आंसर डी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में सबसे अधिक गंधक का उत्पादन किस देश में होता है? अमेरिका, ब्राज़ील, मैक्सिको, बहरीन। 5 राइट आंसर सी, मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 6, कनाडा के वनों में लकड़ी काटने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? लम्बर जैक, रिकवर जैक, अदली या फिर वुड रेकर। 6 राइट आंसर होगा इसका, लम्बर जैक। कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया एग्जाम में, तो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चंस पे अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके या तो 4-5 बार बोल के इसको याद कर लो, अदरवाइज अपने नोट्स में इस क्वेश्चंस को कहीं पे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7, एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार। 7 का जो राइट आंसर है वो है आपका चीन। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट कुक, माउंट मेकाल, माउंट एवरेस्ट, माउंट डियोगो। 8 राइट आंसर माउंट कुक। क्वेश्चन नंबर 9, एलिफेंटा जो पास है, एलिफेंटा जो दर्रा है वो कहाँ पर है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। 9 राइट आंसर होगा इसका बी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 10, बारसोआ घाटी कहाँ पर अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील। 10 राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 11, सन बेल्ट अमेरिका में किस लिए प्रसिद्ध है? चाय, कॉफी, कपास, नारियल। 11 राइट आंसर सी, कपास। ऑरेंज रिवर किस देश में बहती है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी। 12 राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 13, मसूद जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? अमेरिका, फ्रांस, पाकिस्तान, थार। 13 राइट आंसर होगा इसका आपका, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 14, मोंगला पतन किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनल सिटी जिसको बोलते हैं शाश्वत नगर के रूप में किसे जाना जाता है? वॉशिंगटन डीसी, सेंट पीटर्सबर्ग, रोम, न्यूयॉर्क। 15 के लिए जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका रोम। क्वेश्चन नंबर
स्वात घाटी कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। 16 राइट आंसर पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, काला महादेश कहा जाता है अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, दक्षिण अमेरिका को, यूरोप को। ये क्वेश्चन हम कई बार देख चुके हैं और आपको याद होना चाहिए इसका आंसर क्या था। अगर याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन पिछला भी आपसे छूट रहा है। भागम भाग में क्या होता है कि हम लोग बस, आप ये मानिएगा, आप लोग जो ऐसे स्पीड में आप लोग पढ़ते हैं ना, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये बुक खत्म कर ली, वो वीडियो देख लिया, वो सब्सक्राइब कर लिया मेरे चैनल, इसमें क्या होता है कि आप कॉम्पिटिशन फील्ड में एक रफ्तार वाले घोड़े पर सवार तो हो लेकिन उसकी लगाम आपके हाथ में नहीं है। आप कहाँ पे जाके आप टकराओगे, या आपका जो मंजिल आपको मिलेगी वो कौन सी मंजिल मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब तक घोड़े की लगाम आपके हाथ में नहीं है तब तक आप बस केवल आंख मीच के दौड़े चले जा रहे हो, कहाँ तक दौड़े, किस दिशा में दौड़े, कुछ आइडिया नहीं है। तो इसलिए ढेर पर बिलीव मत करना कभी भी। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, सेलेक्टिव पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। चलो अब, मसाई कहाँ के आदिम जनजाति हैं? ब्रुसेल्स, तंजानिया, ब्यूनस एंड केनबरा। 18 राइट आंसर बी तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 19, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? टेम्स, सीन, मांडोवी, वोल्गा। 19 राइट आंसर होगा डी वोल्गा। क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिण अमेरिका में वर्षा वन का स्थानीय नाम क्या है? पंपास, डाउन्स, सवाना, सेल्वास। 20 राइट आंसर डी सेल्वास। अगला क्वेश्चन है 21, कौन केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? जमैका, नाइजीरिया, कुस्तूनी तूनिया एंड सेंटियागो। 21 राइट आंसर जमैका। क्वेश्चन नंबर 22, मिस्र के किसान को क्या कहते हैं? फजल, मसूद, फलहा, फरवीस। 22 राइट आंसर फलहा। क्वेश्चन नंबर 23, एमू नामक पक्षी कहाँ पर पाई जाती है? अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। 23 राइट आंसर सी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 24, अर्जेंटीना के विशाल पशु फर्मों के पशुपालकों को क्या कहते हैं? एक्टांसिया, गवांको, लंबरजैक, फरदीन। 24 राइट आंसर होगा इसका बी गवांको। ब्लैक हिल, ब्लू हिल एंड ग्रीन हिल, ये जो पहाड़ियाँ ये कहाँ पर स्थित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बुल्गेरिया या फिर बेलारूस। 25 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा आपका ए संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व की प्रसिद्ध सेरेंगती वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? बांग्लादेश, इसराइल, तंजानिया, जॉर्डन। 26 राइट आंसर होगा इसका सी तंजानिया। अगला क्वेश्चन है 27, यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल बुर्ज कहाँ पर स्थित है? बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, रूस, फ्रांस। 27 राइट आंसर होगा इसका आपका सी रूस। 28 विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। 28 राइट आंसर ए एशिया। क्वेश्चन नंबर 29, शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक कहाँ बनती है? फ्रांस, जर्मनी, जापान, डेनमार्क। 29 राइट आंसर ए फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले कहाँ पर स्थित है? अलास्का, डेट्राइट, कनाडा, क्यूबा। 30 राइट आंसर होगा इसका आपका अलास्का। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका है या फिर ऑस्ट्रेलिया है? ध्यान से इसका आंसर लगाना, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 31 राइट आंसर होगा इसका सी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 32, एंडीज पर्वतों की पूर्वी ढलानों के वनों को क्या कहा जाता है? मकराना, मोंटाना, मिराज, मिसोरी। 32 इसका राइट आंसर होगा आपका बी मोंटाना। 33
दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है क्या? कोलंबिया, वेनेजुएला, बलोमोफांटेन या फिर पेंटागोनिया। 33 राइट आंसर सी। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई था इसमें, बट अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार। क्वेश्चन नंबर 34, नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड कहाँ पर पाया जाता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। 34 राइट आंसर बी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 35, पुराने पर्वतों के झुंड को क्या कहते हैं? ब्लैक माउंटेन, माउंट ब्लैक, ग्रीन हिल, ब्लैक कॉटन। 35 इसका राइट आंसर होगा ब्लैक कॉटन। क्वेश्चन नंबर 36, बहरीन और कतर के बीच कौन सी जल संधि है? हॉर्मुज, फ्लोरिडा, बेरिंग, मैगलन। 36 फटाफट बताइए राइट आंसर इसका। लिख लिया पेपर पर अपने? वेरी गुड, राइट आंसर इसका ए, हॉर्मुज। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय अंटार्कटिका केंद्र भारत में कहाँ पर स्थित है? गोवा, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद। 37 का राइट आंसर बनेगा आपका गोवा। देखिए पढ़ने की स्पीड मेरी फास्ट है, मुझे पता है, और यही स्पीड आपको मेंटेन करनी है, इसलिए मेरी स्पीड फास्ट है। आपको पढ़ने की स्पीड मेंटेन अभी से करनी पड़ेगी, ये मैं काफ़ी सारे वीडियो में बता भी चुका हूँ आपको, और मैं वीडियो के अंत में क्वेश्चन पूछूंगा, उसके मुझे मैक्सिमम आंसर चाहिए। मैक्सिमम बच्चे वीडियो वॉच तो कर रहे हैं लेकिन आंसर शेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब कि आप लोग एक्टिव स्टूडेंट नहीं हैं। अगर आपको आंसर नहीं आता तो एक बार कष्ट करिए पिछला वीडियो वॉच करने का, वहाँ से निकालिए उसका आंसर क्या था। एक खलबली मचनी चाहिए आपके अंदर, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। लेकिन डब्बा गोल, घूम फिर के कहानी गोल, कोई कष्ट करना चाहता नहीं है, ना विकिपीडिया में सर्च करना चाहते हो, ना पिछला वीडियो देखना चाहते हो, बस सिलेक्शन चाहिए। और सिलेक्शन किसका होता है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप भी जाते हैं कोचिंग पर, जाते होंगे आप लोग, देखते होंगे, आपके रूममेट होंगे, आप उनको देखते होंगे, सिलेक्शन किसका होगा? अपने आप से पूछिए एक बार। एक लापरवाह बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए या फिर उस बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए जो 6-6, 8-8 घंटे लाइब्रेरी में जा रहा है, पढ़ रहा है, जॉब छोड़ के तैयारी कर रहा है? तो थिंक अबाउट इट, मेरी बातों पर विचार करिएगा, सिलेक्शन किसका होना चाहिए? आप इतना भी कष्ट नहीं कर पाते कि आपको छोटा सा टाइप करना है कमेंट में उसका राइट आंसर क्या था, आपको भेजना है टोटल स्कोर क्या था, आपको उठाना है पेन पेपर, वीडियो को अटेम्प्ट करना है, सभी क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं, मेरे आंसर से टैली करना है, जो भी आपका स्कोर बनता है 40 में से 35, 22, 2, 3 कुछ तो बनेगा, भेजिए ना मुझको। मैं बताऊंगा फिर आपको कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, आपका बेस क्यों इतना वीक है, बेस वीक है तो स्ट्रांग कैसे होगा? अब जब आप ही कष्ट नहीं करना चाहते तो मैं तो नहीं हूँ कि आप यहाँ पे स्टेट में आके आपके गेट पे ठप 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 करूँगा, आपको आप गेट ओपन करेंगे, मैं समझाऊँगा, निकल जाऊँगा वहाँ से। तो देखिए कैरियर आपका है, कैरियर आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ये नहीं कह रहा कि दशरथ मांझी की तरह कोई पहाड़ तोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 38, संसार की सबसे हल्की लकड़ी कौन सी है जिसका उपयोग नाव बनाने में होता है? वोल्गा, नासा, चिराग, वाल्सा। 38 राइट आंसर डी, वाल्सा। अगला क्वेश्चन है 39, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? पंपास, सेलवास, डाउन्स, वेल्ड। 39 राइट आंसर होगा इसका सी, डाउन्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, दक्षिण अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? रियो डी जेनेरियो, सेन टियागो, पोर्ट लुई या फिर नापी ताव। 40 राइट आंसर होगा इसका रियो डी जेनेरियो। क्वेश्चन नंबर 41, सेवन हिल्स नामक किस शहर को दिया गया है? रोम, वेटिकन सिटी, टोक्यो, कनाडा। 41 राइट आंसर रोम। क्वेश्चन नंबर 42, रेड स्क्वायर कहां पर स्थित है? जर्मनी, इटली, मास्को, साइबेरिया। 42 राइट आंसर सी, जर्मनी। तो फ्रेंड अब हमारे टोटल 42 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जिसने पेन पेपर उठा रखा है वो 42 में से कितने स्कोर सही निकले अपना टोटल काउंट कर लीजिए। और अब पूछता हूँ मैं आपसे आज का क्वेश्चन, ये रहा आज का क्वेश्चन, पार्ट 18 आपने देखा होगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 33। अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट करेंगे, पहला कमेंट आएगा आपका इसका आंसर क्या रहेगा, राइट आपका वो, और सेकंड कमेंट आपका होगा टोटल स्कोर।
अगर आप कष्ट करना चाहते हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो आप डायरेक्ट पार्ट 18 देखिएगा, उसे स्पीड में आगे प्ले करना। क्वेश्चन नंबर 33 जैसे दिखाई देगा आपको, इसमें से अपना आंसर देख लेना क्या था आपका। अगर वीडियो देखा था भूल गए तो आपकी तैयारी किस लेवल की है वो एक बार अपने आप से पूछ लीजिएगा बच्चों, ठीक है? और लगता है कि इसी पैटर्न पे आप तैयारी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पिछला बोल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पिछला बोल रहे हैं, ये पैटर्न आपको प्यारा लगता है, लगता है कि आपको सिलेक्शन हो सकता है, तो इसी पैटर्न को अप्लाई रखना, पकड़ के बैठ जाना, इस पैटर्न को चेंज मत करना बिल्कुल भी। फिर देखना 10 साल बाद मुझको बताना कि आपका सिलेक्शन कहाँ पे होगा। 10 साल मैं आपको दे रहा हूँ, 10 साल तो मेरे साथ बहुत है तैयारी के लिए, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल तो बहुत है, तो बताना मुझको। फिर आपको शायद एहसास होगा कि शायद आप गलत ट्रैक पे थे, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती, लेकिन वक्त बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सही वक्त तभी आता है। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ जल्दी अपने वीडियो के साथ में। एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एंड व्हाट्सअप।